वंडर वॉल इक्वेशन। अब हम लोग समझते हैं कि वंडर वॉल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, रियल गैस में हम लोगों ने दो चीजों को अज्यूम किया था। पहला कि दो गैस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जीरो। और दूसरा ये कि जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों अजम्पशन को रिमूव करेंगे और आइडल गैस इक्वेशन को ही मॉडिफाई करेंगे और एक नया इक्वेशन बनाएंगे जो कहलाएगा वंडर वॉल इक्वेशन। वंडर वॉल एक पहले मतलब फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रियल गैस के बारे में स्टडी किया और इक्वेशन को फॉर्म किया। तो देखो क्या क्या अजम्पशन था, मैं पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल जीरो होता है, तो अब हमें उसको रिमूव करना है। दूसरा, रियल गैस में क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और ये जो PV इक्वल टू, ये जो होता है PV इक्वल टू NRT, इसमें V अभी तक क्या था, V होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो हमने गैस मॉलिक्यूल को वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना था, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम लोग वी ले रहे थे। पर एक्चुअल में जो वी होता है ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है, ये होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये ध्यान रखना है, वी जो होता है, वी जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो जब हम लोग गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो इस वी के टर्म में भी एक मॉडिफिकेशन करना होगा। तो देखो होता क्या है, वंडर वॉल इक्वेशन पहले समझते हैं फिर आगे देखेंगे कैसे बनता है फॉर्मूला। तो देखो उसको करने के पहले एक टर्म याद रखना, एक होता है वीएम। वीएम का मतलब है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल गैस। तो एक मोल गैस जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है उसको बोलते हैं वीएम। तो वीएम का मतलब क्या होगा, वी बाय एन। तो आप टोटल वॉल्यूम को, आप टोटल वॉल्यूम को टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा वीएम। ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये होता है वीएम बाय एन। ठीक है, तब हम लोग समझते हैं कि होता एक्चुअल में क्या है आपका वंडर वॉल इक्वेशन, इसको समझते हैं। तो देखो वंडर वॉल ने क्या है कि आइडियल गैस इक्वेशन को ही मॉडिफाई किया है, तो वही समझते हैं क्या होता है। तो P और ये होगा ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर और ये V माइनस N, ये N है, एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये होता है उसने प्रेशर के फैक्टर को और वॉल्यूम के फैक्टर को या वॉल्यूम के टर्म को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। इसमें है क्या क्या, इसमें A और B क्या है, A और B आपके पास है वंडर वॉल कॉन्स्टेंट, ए और बी वंडर वॉल कॉन्स्टेंट है। ए का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट के बारे में आप लोगों को फिजिक्स में यूनिट एंड एमएससी में बताया गया होगा, जब भी दो टर्म को ऐड करते हैं तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, ये तो ये पता होगा। तो इसलिए ए का जो यूनिट होता है वो होता है एटीएम। तो ये एटीएम, तो एटीएम आना चाहिए, तो एटीएम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम को कट करना पड़ेगा, तो इसलिए होगा लीटर स्क्वायर और पर मोल स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। और B का जो यूनिट होता है, एक्चुअली B का जो यूनिट है ये आपके पास क्या होता है, ये होता है लीटर, तो ये भी लीटर होना चाहिए, तो आपके पास ये होता है लीटर पर मोल। ठीक है, ये A और B की यूनिट है। तो A और B के बारे में अभी देखते हैं क्या होता है, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं फिर A और B के बारे में समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो देखो क्या होगा, एन को डिवाइड कर देते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं पी, और इस एन को मैं नीचे लेके आया, इधर एन को डिवाइड कर इसके नीचे ले आया और इक्वल टू होगा आर टी। तो ये होगा पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम मतलब मोलर वॉल्यूम, वी बाई एन मोलर वॉल्यूम, वी एम माइनस वी इक्वल टू होता है आर टी। तो ये भी वंडर वॉल इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म है। तो वंडर वॉल इक्वेशन के देखो दो फॉर्म है, एक फॉर्म ये और एक फॉर्म ये, तो दोनों में से कोई भी आप एक फॉर्म को याद कर सकते हो, दोनों अक्षर में एक ही है।
अब इसमें समझते हैं कि ए और बी का पहली बार सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो इसमें जो ए जो होता है, पहले ए के बारे में समझते हैं। तो ए जो होता है, ए इंडिकेट करता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। अगर गैस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, ए का वैल्यू बढ़ेगा। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको एक्चुअल में ए रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे क्या होता है, हीलियम, उससे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा? न्यून। मास बढ़ेगा, पता है वन डर वॉल फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा आपका ए का वैल्यू बढ़ेगा, उससे ज्यादा होगा ए आर, उससे ज्यादा होगा के आर, ठीक है। या फिर मिथेन, उससे ज्यादा क्या होगा इथेन, उससे ज्यादा आपके पास क्या होगा प्रोपेन, ये सबको पता होगा। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अमोनिया में, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। तो देखो क्या होता है, CO2 गैस, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अमोनिया में। सिर्फ मास नहीं होता है, अमोनिया में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस वजह से क्या होगा वहां इंटर मॉलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, तो इसलिए उसका ए का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा। अब आप लोगों को यह भी पता होगा कि अगर आप ब्रांचिंग करते हो, मान लेते अगर आप कभी भी हाइड्रोकार्बन का ब्रांचिंग करते हो, तो ब्रांचिंग करने से इंटर मॉलिकुलर फोर्स वीक हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आइसोब्यूटेन से ज्यादा ए का वैल्यू होगा एन ब्यूटेन का। और जैसे अगर आप पेंटेन पे जाओगे तो नियो पेंटेन, उससे ज्यादा ए का वैल्यू होगा आइसो पेंटेन का। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा ए का वैल्यू। और ब्रांचिंग करने से ध्यान रखना इंटर मॉलिकुलर फोर्स कम होता है, उससे ज्यादा क्या होगा एन, मतलब ए का वैल्यू होगा एन पेंटेन का। तो एन पेंटेन में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ए का वैल्यू क्या होता है वो डिपेंड करता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स पे, ठीक है, ए समझ में आ गया। अब जो बी जो होता है, बी डिपेंड करता है गैस मॉलिक्यूल के साइज पे। तो ये क्या होता है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये गैस मॉलिक्यूल की साइज पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बी का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर आप लिखना चाहो तो यही आपके पास होगा इसमें। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या